हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनेक रूप हैं, कहीं प्रेम का रूप, कहीं त्याग का रूप, कहीं प्रार्थना का रूप, कहीं निस्वार्थ का रूप, कहीं दया का रूप, कहीं करुणा का रूप और कहीं सहयोग का रूप। आइए इस एपिसोड में महात्मा गांधी के सहयोग के रूप को देखें। इंसानियत और मनुष्यता तो इस चीज़ का मतलब इसका प्रमाण है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो हमारा समाज ऊपर होगा, हमारा देश ऊपर होगा, हमारा प्रदेश ऊपर होगा, हमारा द्वीप ऊपर होगा, महाद्वीप ऊपर होगा और इस तरह से फिर क्या होगा कि इस तरह से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा सहयोग के बेस पे। जब तक कि पब्लिक की में कोऑपरेशन होती जे संघर्ष कभी सफल हो सकता ही नहीं था। सहयोग की भावना को तो उन्होंने बड़ा बल दिया है, सहकारिता इस बारे में या सब लोग मिल के चलें, इसीलिए उन्होंने आश्रमों की स्थापना की और उसी में उन्होंने काम किया। सारे पॉलिटिशियन बापू ना बापू बापू करते रहते, यूथ तो वैसे का वैसे ही रहता। He had a lot of admirable qualities and so in terms of that I think I have a lot of respect for Mahatma Gandhi. अभी आपने देखा कि हमारे नौजवान अपने राष्ट्रपिता के बारे क्या कहते हैं, कितना जानते हैं उनको। महात्मा की तो जिंदगी एक खुली किताब थी। आइए उसी खुली किताब में से कुछ अंश लें, कुछ उनके एनेक्डोट्स लें और उनको देखें और उनको जानने की कोशिश करें। मार्च 1922 में गांधी जी को सजा हुई। गुजरात के बारडोली गांव में हुए किसानों के सत्याग्रह को स्थगित करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब गांधी जी ने यह कहा कि इस शासन के विरुद्ध असंतोष पैदा करना ही मेरा धर्म है, तब उसी उदाहरण को सामने रखकर न्यायाधीशों ने गांधी जी को भी 6 वर्ष की सजा सुनाई। महादेव भाई रोने लगे। तात्या साहब केलकर ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाई गई थी तब हम भी उतना ही रोए थे, लेकिन बंगाल के उस मकान में वो संतरी क्यों रो रहा था? वो घर क्रांतिकारी उल्लास कर दत्त का था और वो अभी अभी जेल से छूट कर आए थे। जब उन्होंने अपने पहरेदार को रोते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा, अरे खान भाई क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? साहब, मेरी जाति के एक आदमी को 6 साल की सजा हो गई है। बूढ़ा है बेचारा, 50-55 साल का। अखबार में गांधी जी के उस ऐतिहासिक मुकदमे के बारे में जानकारी थी जिसमें गांधी जी ने अपनी जाति किसान बताई थी और धंधा कपड़े की बुनाई लिखवाया था। वो पहरे वाला मुसलमान था और बुनकर। ये सब पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। क्रांतिकारी उल्लास कर दत्त की समझ में सारी बातें आ गईं। मैं किसान हूं, मैं बुनकर हूं, उनके ये शब्द घर घर में गूंज रहे हैं। जब वो जेल गए तो करोड़ों लोगों को यही लगा, उनका कोई अपना जेल गया है। जनता के दिल में जिसने जगह बनाई वही अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिला सकता है। उन्हें जन जन का सहयोग मिला, उस महान सच्चे क्रांतिकारी को शत शत प्रणाम। आश्रम में मच्छर बहुत परेशान करते थे, गांधी जी को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती थी। बहुत शांति मिलती है गीता पढ़ के और शक्ति भी। मुझे तो जब भी समय मिलता है 5-6 पन्ने गीता के पढ़ ही लेता हूं। तो ये मच्छर भी इतना परेशान करते हैं और रात को सोने नहीं देते। बापू, बड़ा सरल उपाय है, आप मच्छरदानी क्यों नहीं लगवा लेते? मच्छरदानी, वो उपाय तो मुझे भी पता है। अरे भाई, जिस देश में लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है उसमें वो लोग मच्छरदानी खरीद लेंगे और फिर मैं मच्छरदानी खरीद के लगाऊं, ये मुझे शोभा देगा? नहीं भाई, मैं मच्छरदानी नहीं लगाऊंगा। आगे जाकर किसी ने बापू से कहा कि बदन पर अगर मिट्टी का तेल लगाकर सोएं
तो मच्छर पास नहीं आते। बस फिर क्या था, बापू खुश हो गए और फिर हर रोज बदन पर मिट्टी का तेल चुपड़कर सोया करते थे। अभी हमने महात्मा गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को देखा और आप देखिए ऐसा त्यागी कहाँ मिलता है आज, और इतना साधारण नहीं है एक ऐसा त्यागी बनना। ऐसे त्यागियों को की तो जरूरत है भारतवर्ष को। उन्होंने मच्छरदानी नहीं अपने ऊपर रखी, ये नहीं कि उनको मच्छरदानी मिल नहीं सकती थी, मिल सकती थी, लेकिन उतनी देर उन्होंने मच्छरदानी अपने पर नहीं ओढ़ी जब तक उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि क्या एक आम आदमी भी मच्छरदानी रख सकता है। गुजरात के औद्योगिक नगर अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित इस सत्याग्रह आश्रम ने 1917 में काम करना आरंभ किया। शुरुआती दिनों में आश्रमवासी कैनवस के तंबुओं में रहते थे। उस समय आश्रम का प्रमुख कार्य कपड़ा बुनना था। आश्रम में 1917 में चरखा आ जाने के बाद सबसे पहले बनी खादी के एक टुकड़े की कीमत 17 आने प्रति गज आई थी। इसी आश्रम में निवास के समय अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन समाप्त होने के तुरंत बाद गांधी जी खेड़ा किसान सत्याग्रह में कूद पड़े। नए आंदोलनकारियों की भर्ती जारी थी। गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टरों ने सलाह दी कि गांधी जी अंडा खाना शुरू करें, जिसे उन्होंने मना कर दिया, किंतु कस्तूरबा के कहने पर बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया। ब्रिटिश राज ने रॉलेट कमेटी की सिफारिशें जारी की। गांधी जी ने उन्हें अवांछित व अपमानजनक करार दिया। इसी आश्रम में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, शंकरलाल बैंकर, श्रीमती अनुसुईया बेन आदि ने भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में 6 अप्रैल 1919 को आम हड़ताल की गई। ब्रिटिश सरकार ने विदेशी वस्तुओं का उपभोग करने वालों और सरकार समर्थकों को उपाधियां और पुरस्कार देने की घोषणा की। तब गांधी जी ने इसी आश्रम में स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। 1921 में यहीं रहते हुए गांधी जी ने कहा, हिंसा पशुओं का काम है। आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी के विरुद्ध यंग इंडिया पत्रिका में 3 भड़काने वाले लेख लिखने के आरोप में न्यायाधीश श्री आर एस ब्रूमफील्ड की अदालत में 18 मार्च 1922 को एक मुकदमा चलाया गया। अपने जवाब में उन्होंने अपनी उम्र 53 साल बताई व अपना पेशा किसान और बुनकर बताते हुए अपना अपराध स्वीकार किया। गांधी जी को 6 साल साधारण कारावास की सजा हुई। हालांकि राजनैतिक माहौल गर्म था, किंतु बंबई में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के आगमन से स्थिति विस्फोटक हो गई। गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि यदि भारत को स्वतंत्र नहीं किया गया तो हम स्वयं को आजाद घोषित कर देंगे। स्थितियां तेजी से बदली और जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। चारों तरफ उत्साह का वातावरण था। अहमदाबाद और आश्रम में गतिविधियां तेज हो गई थी। हजारों की तादाद में उत्सुक लोग उस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए, ताकि इतिहास में नमक कानून को तोड़ने की घटना दर्ज हो। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे महात्मा बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण। यात्रा शुरू करने से पहले गांधी जी ने घोषणा की कि जब तक आजादी नहीं मिलती तब तक वो आश्रम नहीं लौटेंगे। गांधी जी का ये आश्रम एक ऐसा पवित्र स्मारक है जिसने हमें आजादी के सूरज के दर्शन कराए। हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है वो धर्म निरपेक्ष है, लेकिन वो नीति निरपेक्ष नहीं है। उस बात को हम भूल गए। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि धर्म का सच्चा अर्थ क्या है वो अगर हम लोगों तक पहुँचा सकें और उसमें सभी धर्मों के लोगों को साथ मिलकर के काम करना है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम कहते थे उस वक्त, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई,
तो सर्वधर्म संभाव की भावना को हमें देश में प्रसारित करनी है, तो उसके लिए अगर हम शिक्षा पद्धति में पहले से ही सर्वधर्म के जो समान सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को कुछ ध्यान दे अभ्यास क्रम में और उसको अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को सिखाया जाए तो थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर हो सकता है। तो बापू ने सहयोग को और असहयोग को, नॉन कोऑपरेशन, उसको बहुत ही मजबूत वेपन बनाया कि किसी भी संस्था को नीचे डालना है, अन्याय के सामने झुकना है, कोई बदमाशी करते उसको रोकना है, तो वो जो बल है उसके सहयोग नहीं दीजिए। तो नॉन कोऑपरेशन और असहयोग आर द रिजल्ट ऑफ नॉन वायलेंट अप्रोच। उनका जो मूल मंत्र था सहयोग, जातियों में, धर्म में, देशों में, सब में वो सहयोग चाहते थे। नेशनल यूनिटी शुरू समझिए जब से हिंदुस्तान भारत में आए, और अपने राष्ट्र जो उनका समझिए जो राष्ट्र स्वास्थ्य था उस तक उन्होंने नेशनल यूनिटी पर सारा जोर दिया। लेकिन उनका ये भी सिद्धांत था कि यदि ऐसा अन्याय हो जिसको आप तर्क से, रीजनिंग से, आर्गुमेंट से नहीं दूर कर सकते, वो तब आपको ऐसे योग करने का भी हक है। आर्थिक और सामाजिक आज़ादी लाने के लिए, एक आमूल परिवर्तन लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसी नीति बने, और वो नीति ऐसी बने कि जो लोगों को अनुकूल हो, आम जनता को। आर्थिक नीति भी ऐसी बने कि जो फ़ायदा हो उनको, किस तरह से ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्र में हो, ऐसी नीति बने। और ऐसी नीति बनाने के लिए लोगों को साथ रखना पड़ेगा, लोगों का सहकार सहयोग तो लेना ज़रूरी है। बेसिक क्वालिटी दैट जेनरेट्स ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन वन पर्सन इन हिज माइंड विथ अदर्स विल बी ऑन द बेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट these two persons are made of the same stuff, are the children of same God. A fellowship, understanding, compassion, desire to work together, a willingness to suffer even for the other person is the basis of cooperation. Abhi humne apne rashtrapita ke bare mein ye journalists, ये राइटर्स, ये एकेडमिशियंस, ये एनवायरमेंटलिस्ट्स और विद्वान, ये हमारे सीनियर सिटीजन्स कैसे सोचते हैं वो सुना। आइए अब ये सुने हमारी आने वाली पीढ़ी अपने राष्ट्रपिता के बारे में कितना जानती है, और शायद नौजवानों से भी ज़्यादा जानती है, ये नज़र आएगा। आइए मिलके देखें। नमस्कार। भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी आज की बहुत सारी खुशियां बीते हुए कल के एक युग पुरुष की एहसानमंद हैं, महात्मा गांधी। जी हां, वही पुरानी हस्ती, पर कुछ नए सवाल, एक नया क्विज़ नई पीढ़ी के साथ। पहले आप सब लोग अपने नाम बता दीजिए और फिर मैं आपको रूल्स बताती हूँ, ठीक है? शुरू कीजिए। मैं अंजुल अहिंसा। मैं सिद्धांत अहिंसा। मैं कुणाल अनुशासन। मैं वरुण अनुशासन। मैं वैभव सहयोग। अनुराधा। मैं राहुल सादगी। मैं उपासना सादगी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के राउंड शुरू करते हैं। रूल्स आपको याद हैं, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ जल्दी से। दो राउंड से, पहला राउंड है बजर राउंड, चार क्वेश्चंस होंगे। जो बजर दबाएगा और ठीक क्वेश्चन बताएगा, ठीक आंसर 15 पॉइंट्स, गलत आंसर पे -5। ओके, उसके बाद है रैपिड फायर राउंड। हर टीम से मैं चार सवाल पूछूंगी, सिर्फ उसी टीम को जवाब देना है जिससे मैं पूछूंगी। आपके पास 10 सेकेंड होंगे। राइट आंसर 10 पॉइंट्स, रॉन्ग आंसर -10, एंड नो आंसर 0, शून्य। दैट्स राइट। ओके, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस साल में हुआ था? सादगी 1931। बिल्कुल ठीक। समझौता क्या था? कि भारत में चुनाव कराए जाएंगे। ओके, दूसरा सवाल,
गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई की मृत्यु कब हुई? अहिंसा 1948 नो द डेट इज 15th August 1942 आज़ादी से 5 साल पहले. हमारा तीसरा सवाल है, गांधी जी ने अपने जीवन के कितने साल, लगभग कितने साल जेल में बिताए? सहयोग That's right. 6.5 साल. ये लगातार नहीं पर भिन्न भिन्न टाइम पे जब वो जेल में गए तो काफ़ी लंबा अरसा है जिसकी वजह से आज हम इतनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं. आखिरी सवाल बजर राउंड का, गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर को पत्र लिखा था कौन से साल में? नो गेसेस. 1939. जिस साल में विश्व युद्ध शुरू हुआ उसका तुक्का तो ले लेना चाहिए था. ओके, रैपिड फायर शुरू करें. किसको ले सबसे पहले? अहिंसा. ओके, रेडी. पहला सवाल, भारत लौटने पर गांधी जी ने किस स्थान को चुना जहां वो वकालत के साथ साथ समाज सेवा भी कर सकते थे? वाज इट बॉम्बे? यू आर राइट, इट वाज बॉम्बे, मुंबई. नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के सत्याग्रह संघर्ष के हीरो महात्मा गांधी ने बम्बई में कदम कब रखा? इट वाज 1919. नाउ 21. यू वांट टू टेक अनदर चांस? इट्स पास. ओके, द ईयर वाज 1915 जब वो तीसरी और आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए. तीसरा क्वेश्चन, किस शहर से गांधी जी ने बंधुआ मजदूरी के संघर्ष की शुरुआत की? Could you please repeat it in English? Yeah. गांधी जी ने बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट संघर्ष की शुरुआत कहाँ से की? चंपारण. नो, बॉम्बे. बॉम्बे अगेन. ओके, लास्ट क्वेश्चन, किस स्थान से गांधी जी ने पहला टैक्स बंद अभियान शुरू किया? स्लाइटली डिफिकल्ट. पास. खेड़ा. ओके, अनुशासन, रेडी. ओके, हियर वी गो. गांधी जी का पहला बड़ा संघर्ष 1917 में चंपारण में खेती के किसानों के लिए था. उन्हें वहां जाने और किसानों के लिए कुछ करने की प्रेरणा किसने दी? चित्रनंदन दास. नो, राजकुमार शुक्ला. ओके, सेकंड क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी द्वारा किए सर्वेक्षण में लगभग कितने लोगों से पूछताछ की गई? पास. 4,000. थर्ड, किसकी अपील पर गांधी जी को चंपारण छोड़कर अहमदाबाद की कपड़ा मिल मजदूरों की सहायता के लिए जाना पड़ा? सोच के बताइए. सारा भाई. या, यू आर राइट, यू आर क्लोज. व्हाट्स द फर्स्ट नेम? सारा भाई. Mr. Sarabhai. He no, then I would not give it to you. Ansuya Sarabhai. She was a sister of Ambalal Sarabhai. That's right. And Vikram Sarabhai ki bua thi. Your last question. Khera Kisan Sangharsh ke sambandh mein Bombay Vidhan Parishad mein pradarshan kiske dwara karaya gaya? Sardar Patel. Vitthal Bhai Patel aur G.K. Parikh. Okay, we come to Sahyog. So how are you feeling? Charged? Yes. Okay. Rowlatt Satyagraha ke sambandh mein Gandhi ji ne kis shahar mein Satyagraha Sabha ka ayojan kiya? Ahmedabad? No, Bombay. Gandhi ji spent a good part of his life in Bombay. Satyagrahiyon dwara savinay avagya ke liye Gandhi ji ke kis pratibandhit karya ko apnaya gaya? Will you repeat this question? Yeah. सत्याग्रह करने वाले जो लोग थे उन्होंने गांधी जी द्वारा स्टार्ट की गई दो मूवमेंट्स को अपनाया फॉर सिविल डिसोबीडियंस. व्हाट वर द नेम्स ऑफ दोज टू मूवमेंट्स? एक वन इज डांडी मार्च. डांडी मार्च इज वन. नेम द अदर वन? अदर वन नो. नो, पहला भी ठीक नहीं है. मूवमेंट्स थी हिंद स्वराज और सर्वोदय. बेसिकली एक आज़ाद भारत की मांग अहिंसक तरीके से और दूसरा लोगों की भलाई करना फॉर सिविल डिसोबीडियंस. तीसरा क्वेश्चन,
जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी की प्रथम भेंट कब हुई? बॉम्बे में? नो, कब हुई? आपको कब बताना है, साल, महीना, कुछ भी? पास। दिस वॉज दिसंबर 1916 एंड दैट टाइम गांधी जी वॉज अराउंड 47 ईयर्स ऑफ एज। ओके, दिस इज समथिंग ईजी, टेल मी फास्ट, गांधी जी की मृत्यु को 50 साल कब होंगे? कब? 50 साल कब होंगे? होंगे 50th डेथ एनिवर्सरी। In 1989? कब होंगे? We are in 1997. No? The answer is 1998. अगले January 1998. Yeah. Okay. So we come to you. Ready? सादगी से, मृत्यु के समय कस्तूरबा गांधी की उम्र क्या थी? 74. That's right. गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते समय हुई। सप्ताह का कौन सा दिन था? फ्राइडे। दैट्स राइट। थर्ड क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु से कुछ दिन पहले उनकी प्रार्थना सभा पर बम फेंका गया था, वो बम किसने फेंका था? सम हिंदू फैनेटिक्स। You have to tell me the name. किसने फेंका था? No? Yes. मदन लाल। और आखिरी क्वेश्चन है आपका, चौथा, गांधी जी को मृत्यु के समय कितनी गोलियां लगी थी? तीन। That's right. So I guess Sadgi has done very well, Tariq, huh? Yes. किस्मत सुनाइए सबकी। अहिंसा का स्कोर है -15। अनुशासन -20, सहयोग -25 और आज के विनर हैं सादगी जिनका स्कोर है +45। सो -25 से +45 काफी उतार चढ़ाव है। गिव अ बिग हैंड टू द विनर्स। और हमें ये भी याद रखना है कि जिंदगी में भी ये उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, बट वी ऑल हैव टू टेक इट विद अ स्माइल। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। सहयोग से ही दुनिया चलती है, कुदरत का भी ये नियम है, और जहाँ सहयोग टूटता है वहीं पर हिंसा होती है ना? तो जहाँ हिंसा नहीं है, एक मोटा मोटी नियम ये समझ लीजिए कि जहाँ आज लोग एक दूसरों को मारकाट पे नहीं उतरे हैं, या जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, चीज़ें उलट पुलट नहीं हो रही है, वहाँ सहयोग की वजह से ये हो रही है। जो इस समय के हमारे निर्णायक लोग माने जा सकते हैं या संस्थाएं, उनमें हमें संघर्ष और असहयोग ज़्यादा दिखता है, वो भी बहुत छोटी छोटी बातों पर। इसलिए युवा पीढ़ी से हमको बहुत उम्मीद करते हुए डर लगता है कि इतने चुनौती और एक असहयोग के वातावरण में वो सहयोग के बारे में कैसे सोचेगी। लेकिन शायद ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें से वो अपने समाज का जो उसका धुरी थी, सत्व था, उस पर कैसे वापस आए और इसको समझे। श्री घनश्याम दास बिरला और बापू के बड़े ही आत्मीय संबंध थे। बिरला ने बापू पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था बापू। एक बार श्री बिरला बीमार हुए, बापू ने उन्हें लिखा कि आश्रम आ जाओ, इलाज कर दूंगा। बापू ने अपने आश्रम में न जाने कितने लोगों की अपने हाथ से सेवा की, उनके इलाज का प्रबंध किया, चाहे वो लोग हिंदू हों या मुसलमान, अमीर हों या गरीब, बूढ़े हों या बच्चे। बापू के दिल में सबके लिए समान भाव था, समान प्यार था। बापू ने कई बार बिरला जी को आश्रम में आमंत्रित किया, लेकिन बिरला जी हर बार संकोच करते थे, क्योंकि अगर बिरला जी आश्रम में आ जाते तो उनका सारा काम करने की जिम्मेदारी महादेव भाई पर आ जाती, और बिरला जी को ये बात पसंद नहीं थी कि महादेव भाई उनके सारे काम करें। इसीलिए बिरला जी सेवाग्राम आते नहीं थे। बिरला जी से कहें कि वो एक बार सेवाग्राम आए, मैं उनका स्वयं इलाज करूंगा। बिरला जी ने अपनी अड़चन बापू को बताई। सुनकर महादेव भाई को बहुत हंसी आई, बापू भी हंसे, लेकिन बापू अपनी कोई भी बात किसी पर लादते नहीं थे। बापू दूसरों की भावनाओं को पहचानते थे और उनकी कद्र करते थे। उन्हें कहिएगा कि उनके लिए एक सहयोगी रख लिया जाएगा।
गांधी जी का मानना था कि जब जीवन में संकट आए या कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो तो प्रार्थना से मनुष्य को बल मिलता है, और इसीलिए उन्होंने भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक परंपरा से ये मोती खोज निकाले थे। इन भजनों और पदों में से किसी भी अन्य धर्म या मत को मानने वाले का विरोध नहीं था। आश्रम जीवन जैसे जैसे समृद्ध होता गया, वैसे वैसे ये भजन संग्रह बढ़ता ही गया। गांधी जी अक्सर कहते थे कि अगर आश्रम के सिद्धांतों के खिलाफ कोई भाव किसी भजन में आए तो उस भजन को भजनावली से निकाल दिया जाए। मसलन, मृत्यु का डर दिखाने वाले भजन हमारे कोई काम के नहीं हैं। वैराग्य का उपदेश देने वाले, स्त्री जाति की निंदा करने वाले कोई भी भजन हमारी भजनावली में काम नहीं करेंगे। जिन भजनों में भक्तिभाव नहीं है या जो भजन कृत्रिम है और कवि का सारा प्रयत्न शब्दों को सिद्ध करने का ही हो, ऐसे भजन कभी भी पसंद नहीं किए जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि हमारा आश्रम एक धर्म का नहीं बल्कि सब धर्मों का है। जिसकी जिसमें सहूलियत हो वैसा ही आश्रम में वायुमंडल बना के रखना चाहिए, क्योंकि यही सर्वधर्म संभाव का अर्थ है। अभी हमने महात्मा गांधी जी का सहयोग का रूप देखा और पता चला कि सहयोग के बिना ये आज़ादी ना मिलती। हमको ये विश्वास करके चलना है कि सहयोग में ही ताकत है, सहयोग में ही सफलता है, सहयोग में ही तरक्की है, प्रोग्रेस है, और सहयोग में ही राष्ट्र निर्माण है। आइए राष्ट्रपिता के दिखाए हुए सहयोग के रास्ते पर मिलकर चलें। प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।